दोस्तों, हमारे फ़ोन में कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आसानी से हमें लोन देने का वादा करते हैं या फिर लोन दे भी देते हैं। या फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपने देखे या पढ़े होंगे या एड्स आपने देखे होंगे जहां बड़ी आसानी से लोन देने की बात कही जाती है। शुरू में जैसा दिखता है वैसा असल में कुछ भी नहीं होता। आज के इस एपिसोड को आप पूरा देखने के बाद समझ पाओगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी, छोटा सा खुशहाल परिवार, लेकिन एक छोटी सी गलती यानी कि ऐसे ही किसी एप्लीकेशन से लोन लेने की वजह से इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामूहिक खुदकुशी जैसी घिनौनी काम इनको करनी पड़ी। बच्चों को जहर दे दिया और पति पत्नी ने फांसी लगा ली। दरअसल भोपाल का ये परिवार मार्केट में फैले लोन ऐप के जंजाल में फंस गया था, ठीक वैसे ही जैसे बेंगलुरु में तेजस ने इस जाल में फंस कर खुद की जान ले ली थी। ऐसे कई सारे किस्से आपको मिल जाएंगे जहां पहले मीठे मीठे बात करके ये लोग लोन दे देते हैं, बाद में इतना टॉर्चर करते हैं कि लोन लेने वाला खुद की जान ले लेता है। भोपाल में इस सामूहिक आत्महत्या से पहले इस शख्स ने 4 पेज की सुसाइड नोट लिखी है, जिसको सुनने के बाद आप पूरा मामला समझ पाओगे। इस नोट में लिखा था, समझ नहीं आ रहा क्या करे, पता नहीं हमारी इतनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात की चिंता हमें नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया, थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरत के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज़्यादा समय भी नहीं देना था इसलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फ़ायदा भी हुआ लेकिन धीरे धीरे दलदल में इस तरह से मैं फंसता चला गया। जब भी थोड़ा समय मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकाल लो, लेकिन ये एक दलदल था जहाँ से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफर किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद हो गया था, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल पहले से ख़राब था, लोन कहाँ से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। सुसाइड नोट में आगे लिखा है, काम शुरू करने से पहले मैंने ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी TRP के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। ये सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। मेरी पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती थी कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना करते हुए जवाब देता था कि सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्जा डाल दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसों का दबाव बनाया जाने लगा। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं तो इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। कंपनी ने लोन ऑफर किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिए। जून में लोन का कर्ज इतना ज़्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने कुछ पैसों का जुगाड़ करके EMI भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उससे डिटेल निकाल कर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो धमकी देने लगे कि तुम्हारी असली और गलत फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की DP का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है कि मेरी ये गलती की सज़ा सभी पहचान वालों को मिल रही है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। 4 पेज के सुसाइड नोट में आगे लिखा है, मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया लेकिन वहाँ अधिकारी न होने और छुट्टी होने के कारण मामला टल गया। दोबारा गया आवेदन बनवाने के लिए, वकील से मिला, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय मांगा, लेकिन मैं न किसी से बात कर पा रहा हूँ और ना ही नज़रें मिला पा रहा हूँ। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आज मैं अपनी ही नज़रों में
गिर चुका हूँ। नौकरी जाने की नौबत आ गई है, अपना और परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। परिवार से कैसे नजरें मिला पाऊंगा, अपनी बाबूजी, अम्मा जी, पापा जी, अम्मी जी, भैया भाभी, प्यारी बहनों और प्यारी सी बेटी सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे कैसे नजरें मिलाऊं। सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी ना आए, इसलिए परिवार यानी पत्नी और बच्चों रिसु और किसु को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूँ। सबसे फिर माफ़ी मांगता हूँ, मेरे परिवार को माफ़ कर दें, मैं मजबूर हूँ, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, ना ही किसी रिश्तेदार या साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाइयों, अंतुदी, दोनों सालों सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ कर दे, हमारा साथ यहीं तक का था। हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हमारा पोस्टमार्टम न किया जाए और सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए, ताकि हम चारों साथ में रहें। तो दोस्तों, इस आखिरी नोट को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि ये लोन देने वाले ऐप्स कितना ज़्यादा खतरनाक आपके लिए साबित हो सकते हैं। सिर्फ इनसे दूरी बनाए रखने में ही आपकी समझदारी है। थैंक यू।